हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही शानदार जनरेटर बनाने वाले हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जनरेटर साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ही शानदार है, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये जनरेटर बहुत ही बढ़िया है। तो यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जनरेटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पुरानी मोटर ले ली है, जो कि कूलर की वाटर पंप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी ये मोटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम भी कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैं इसको 220 वोल्ट एसी के अंदर लगा के चेक कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 220 वोल्ट एसी के लिए पावर बोर्ड ले लिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यार हमारी जो मोटर है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाटर पंप है कूलर का, ये बिल्कुल सही है। और अब हम बनाएंगे इससे जनरेटर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से ये खुल जाती है, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। और इसको रिपेयर करना भी बहुत ही आसान है। कई बार यहाँ से जाम होने के कारण ये जो वाटर पंप है चल नहीं पाता और हम समझते हैं कि ये वाटर पंप ख़राब हो गया है। फिलहाल फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है इससे जनरेटर बनाना। कभी आप कहोगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि ये हम किस तरह से बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ, बहुत ही ईजी यहाँ पर ये निकल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर ये खाली ज़रूर है फ्रेंड्स, लेकिन इसके चारों तरफ यानी राउंड में मैग्नेट लगी हुई है, ठीक है। और ये देखिए, जैसे ही मैं इसको इस तरह से डालूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चला गया है। तो इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है और उसी के कारण यहाँ पर ये मोटर चल पाती है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर ये निकल जाती है। ये देखिए, और ये इस तरीके से निकल जाता है। तो फिलहाल हम इसका तो यूज अभी करेंगे नहीं कुछ भी, इसको तो हम साइड के अंदर रख देते हैं। तो ये भी बहुत ही काम की चीज़ है फ्रेंड्स, कभी भी हमारे काम में आ सकती है। फिलहाल जो हम काम में लेने वाले हैं ये चीज़, ठीक है, इसको भी हम साइड में रख ही देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एक लकड़ी के गुटके पे कस लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, एक लकड़ी का गुटका मैंने ले लिया है। तो फ्रेंड्स यार, बहुत ही शानदार ये जनरेटर बनने जा रहा है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल आसानी से कस देंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इस वाटर पंप को कस दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम इस तरह की डीसी मोटर। इनमें से ये वाली जो मोटर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है 555 डीसी मोटर और इसकी जो शाफ्ट है 3.17 है। तो इसको हम यूज में नहीं करेंगे और इसको हम यूज में लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो मोटर है ये है 775 डीसी मोटर और इसकी जो शाफ्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 5 mm की है। तो यहाँ पर हमें इस तरह की मोटी शाफ्ट ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मैग्नेट आप देख रहे हो ये इसके अंदर बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये चिपक जाती है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। फिलहाल ये देखिए, ये इस तरह से आ जाती है बिल्कुल आसानी से, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैग्नेट है थोड़ी सी ढीली है। तो हम इसको टाइट करके और इसके अंदर इस तरीके से लगाने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मैग्नेट, ये इसके अंदर बिल्कुल आसानी से चली जाएगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये जो मोटर है
इस तरीके से यहाँ पर हम फिट कर देंगे। और यहाँ पर लेंगे हम इस तरह की ये लोहे की चादर और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से इस मोटर को फिक्स करेंगे इसके द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मोटर है इस तरह से थोड़ी सी लटकी हुई है नीचे की तरफ, तो हम इसके नीचे कुछ लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक MDF बोर्ड का टुकड़ा ले लिया है ताकि मैं इस मोटर के नीचे इस तरीके से सेट कर सकूँ। कुल मिला के हमें ये मोटर सीधी लगाना है ताकि ये मैग्नेट अंदर की साइड कहीं पर भी टच ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मैग्नेट है अंदर की साइड में बीच में घूमती है कहीं पर बिना टच हुए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस मोटर को बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर वायरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं दो वायर जोड़ देता हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी इश्यू नहीं है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ कि हमारी ये जो मोटर है वो किस तरह से घूम रही है। और आपको ये भी पता होगा फ्रेंड्स कि जो 775 मोटर है 775 ये 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट सपोर्ट करती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चार बैटरियाँ कनेक्ट कर रखी है और यहाँ पर टोटल वोल्टेज है 16 वोल्टेज। और चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल हम आगे का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इनपुट हो गया और ये है आउटपुट, यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसको इसके अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ से आउटपुट ले सके। तो चलिए हम इसको वर्किंग करा के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये होल्डर लगा लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ये जो बैटरी हमने ली थी यहाँ पर कनेक्ट करवाता हूँ। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर भी लाइट आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैंने वायर को हटा लिया है, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर लाइट आ गई है। अब यहाँ पर मैं ये 7 वाट का बल्ब है, ये देखिए 7 वाट का बल्ब है, इसको यहाँ पर कनेक्ट करवाता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा ये बल्ब है जो ग्लो हो रहा है और आपको इस जनरेटर की आवाज भी आ रही होगी अच्छी खासी। तो चलिए मैं आपको वापस चला के बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से मैं जैसे ये वायर हिल रहा है यहाँ से, ये देखिए इसको अच्छे से मैं टाइट कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको वायर हटा के बताता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ से वायर हटाया हमारा जो बल्ब है वो बंद हो गया है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स वापस से मैं ढंग से लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये अच्छे से कनेक्ट नहीं है, हो गया है।
तो ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स इसकी जो रोशनी है वो बहुत कम हो, 7 वाट का यहाँ पर ये बल्ब है और बहुत ही अच्छी रोशनी दे रहा है। जैसा कि ये नेचुरल रोशनी देता है उसी प्रकार से यहाँ पर ये रोशनी दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ तो इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर लोड का फर्क पड़ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा बल्ब चला के बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये वाला बल्ब लगाते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये बल्ब भी यहाँ पर ग्लो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जनरेटर काम कर रहा है। तो चलिए मैं इसको तो हटा लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसके आउटपुट आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने एसी पे कर दिया है मीटर को और इसको निकाल लेता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 193.5 के लगभग यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 194.5 के लगभग वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको मोबाइल चार्ज करके बताता हूँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक छोटा मोबाइल चार्ज करके देखेंगे सबसे पहले। ये देखिए, उसका चार्जर मैंने लगा लिया है और ये है वो मोबाइल। तो इसके अंदर ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल है वो अच्छे से चार्ज हो रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हटा लेते हैं और अब यहाँ पर मैं बड़ा मोबाइल लगा के देखता हूँ कि क्या वो उसको चार्ज कर पाएगा या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चार्जर लगा दिए हैं बड़े मोबाइल का। ठीक है, और अब हम इस मोबाइल को यहाँ पर चार्ज करके देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बड़ा मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहा, लेकिन इसने बहुत ही आसानी से छोटा मोबाइल चार्ज कर दिया। इस बैटरी की जगह दूसरी बैटरी भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरी बैटरी लगा के बताता हूँ। ये आपको लगा के बताता हूँ, ये भी 12 वोल्ट की है। इसके द्वारा भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये जनरेटर है वो काम करेगा। और अब मैं आपको यहाँ पर भी बल्ब लगा के चेक करवाता हूँ सबसे पहले। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो जनरेटर हमारा बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यार ये एक जनरेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तार निकल गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस जनरेटर का यूज छोटे मोटे कामों में कर सकते हैं, साथ ही हम इसको साइंस प्रोजेक्ट में भी काम में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जनरेटर कैसा लगा, साथ ही आपके भी अगर कोई सलाह या सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।